आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में पहला दिन है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आज आपके लिए भी मुश्किलात हैं, हमारे लिए भी मुश्किलात हैं और एक गाड़ी सिर्फ जो अंदर गई है आज की तारीख में वो इस्लामाबाद का आईजी है, उसकी गाड़ी अंदर गई थी, बाकी किसी की गाड़ी अंदर नहीं जा सकी और तीन तीन चार चार किलोमीटर लोग चल रहे हैं। लेकिन ये एक नई बिल्डिंग है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सारा। लेकिन ये भी एक इशू रहेगा कि रेड जोन के अंदर क्या वो जिनके मुकदमात हैं दूर दराज से आए हुए लोग, उनको आने के लिए इजाजत हुकूमत देगी या नहीं देगी, ये इशू रहेगा। मैं सीधा आपको लेके चलता हूं, जो कल हुकूमत ने 24 घंटे पहले अनाउंस किया है कि वो कोई जुडिशियल कमीशन बना रहे हैं, उसके जो मेंबरान हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम फाजिल जज साहिबान हैं, लेकिन जो उसके टी ओ आर्स हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो इंतहाई सियासी हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और वो सुप्रीम कोर्ट पे एक और हमला करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जिस चीज की तफ्तीश करने की जरूरत है वो ये नहीं है कि कोई वीडियो लीक हुई, और ये भी नहीं है कि उस वीडियो में गुफ्तगू किसने किसके साथ की। असल इशू ये है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1998 में बेनजीर भुट्टो के मुकदमे में तय कर दिया है, बड़ा बेंच था, उन्होंने तय कर दिया कि किसी की कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन टेप नहीं की जा सकती। इसलिए मैं हुक्मरानों से चंद जवाब मांगना चाहता हूं इसके ऊपर, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ मैं सबके सामने रखूंगा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौकफ से पहले मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि हुक्मरान जवाब दें सबसे पहले इस बात का कि वो कौन है जो वजीर आजम हाउस के टेलीफोन टेप करने की उसको हिम्मत हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जाहिर है ये हुकूमत कहती है हमारी हुकूमत है तो हमने हुकूमत से ही जवाब मांगना है। दूसरा जवाब मैं हुकूमत से ये मांगता हूं कि वो कौन है जो आईन में जो फैमिली और प्राइवेसी दोनों की गारंटी की गई है उसको वायलेट करके लोगों की टेलीफोन के अंदर घुस जाता है, उनकी गुफ्तगुएं रिकॉर्ड करता है, और वो कौन है जो उनको लीक करता है। तीसरी और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी तफ्तीश की जरूरत नहीं है कि ये किसी की ऑडियो लीक आ गई, इसलिए कि साबित ही नहीं हो सकता। अब तो बच्चा भी किसी की ऑडियो लीक जैली घर में बैठ के बना सकता है 5 मिनट के अंदर, जिसको आईटी का पता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके पास है, जिसके पास स्मार्टफोन है, बल्कि वो भी कर सकता है। इसलिए असल बात यह है कि हुकूमत ने ये कह के कि कुछ जजों के और आम लोगों के टेलीफोन टैप हुए हैं इतराफे जुर्म किया है, और उसका बराह रास्त पहला जिम्मेदार चीफ एग्जेक्टिव होता है, जो इस मामले में चीफ एग्जेक्टिव नहीं है, आप उसको चीफ मस्खरा कह सकते हैं और उसका नाम शहबाज शरीफ है। अगर वो चीफ एग्जेक्टिव होता तो सबसे पहले मुलजिम ढूंढता जाके कि कौन है जो प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू को टेप कर सकता है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जिस बात की तहकीकात होनी चाहिए, तहरीके इंसाफ का मौकफ यह है, मैंने इमरान खान से बात की थी इस पर तफसीलन, हमारा मौकफ यह है जो तीन नुकतों पर मुश्तमिल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे या फाजिल जजेस पे मुश्तमिल कमीशन वो इस बात की तहकीकात करे कि जहां जहां सरकारी और निजी इमलाक, जहां जहां सरकारी और निजी घरों के ऊपर, जहां जहां सरकारी लोगों और प्राइवेट सिटीजन्स के ऊपर हमले हुए हैं, वो हमले किसने ट्रिगर करवाए हैं, वो किसने प्लान करवाए हैं, किसने शुरू करवाए हैं, और उनका जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, एक इसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई हैं, आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो उसके बारे में कंसर्न ना हो, सिवाय हमारी हुकूमत के। इसलिए कि
ये एक अकलियती पार्टियां हैं जिनका एक जहरात बनाया गया और जहरीली जड़ी बूटियां इकट्ठी करके कौम को एक दवाई पिलाने की कोशिश की गई जबरदस्ती। 13 महीने में कौम की मैशियत की सेहत उड़ गई, कौम के डॉलर की सेहत उड़ गई, कौम की कानून की सेहत उड़ गई, कौम के आइन की सेहत उड़ गई और कौम की जमहूरियत की भी सेहत साथ वो भी धमाके से भाग करके उड़ गई है। ये पहला है। दूसरा जो जिसकी तहकीकात होनी चाहिए उसके साथ ही मैं इसका इशू रिलेट करना चाहता हूं, वो ये है कि वो कौन है जिसने लोगों की बहु बेटियों पे घरों के अंदर बगैर सर्च वारंट जाके हाथ डाला। उनकी चीखें आपने सुनी है, उनकी वीडियोज आपने देखी हैं। और वो कौन है जो दुपट्टे खींच रहे हैं अपनी बेटियों के, ये तहकीकात होनी चाहिए बेसिकली। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान में 3 तरह के क्राइम हुए थे। एक क्राइम हुआ जिसको कहते हैं शर्बसंदी, मिसचीफ, काबले मुजम्मत है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा क्राइम हुआ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो इंटरनेशनल जुर्म भी है, वो पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर जुर्म भी है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जो तीसरा जुर्म हुआ वो ये हुआ कि कोई बताए, आईजी पंजाब कहता है मेरे सूबे में चप्पे चप्पे की हिफाजत करूंगा, चप्पे की हिफाजत वाले बता कि इमरान रियाज कहां है। कल एक शर्मनाक किस्म का इतराफ जुर्म किया पंजाब की हुकूमत ने, और वो इतराफ जुर्म ये है कि उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्होंने 3,800 लोग पंजाब से पकड़े, इस्लामाबाद के लोग सैकड़ों में नहीं है, उससे ज्यादा है वो शामिल नहीं किए, जीबी के लोग सैकड़ों से ज्यादा हैं शामिल नहीं किए, एजेके के लोग सैकड़ों से ज्यादा हैं शामिल नहीं किए, बलोचिस्तान के गुमशुदा अफराद सैकड़ों से ज्यादा है शामिल नहीं किए, केपी में गुमशुदा अफराद सैकड़ों से ज्यादा है शामिल नहीं किए, सिंध के अंदर तो एक मंडी लगी हुई है जो लोग जा रहे हैं, पता नहीं किधर से वो लोग बरामद होंगे और कब बरामद होंगे, एक बाजार लगा हुआ है, जुमा बाजार लगा हुआ है। मैं उन सबको खराज तहसीन और शाबाश पेश करना चाहता हूं जिन लोगों ने सिविल सोसाइटी से उनका ताल्लुक है, मुख्तलिफ सियासी जमातों से उनका ताल्लुक है, पार्लियामेंट से उनका ताल्लुक है, और उसमें 2 फाजिल सेनेटर सिटिंग भी शामिल हैं जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आइन की मौजूदगी में मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि पहले शफाफ तहकीकात करनी चाहिए, और जो किसी सिविलियन का भी किसी मिलिट्री एक्ट के नीचे या किसी दूसरे जुर्म के नीचे जो पाकिस्तान की अदलिया जो कही गई है आर्टिकल 175 में उसके मुकाबले में मुतवाजी अदलिया हो उसको हम मुस्तरद करते हैं। बद्रवान साहब एक सवाल ले लें, इमरान खान की जानब से कहा गया कि मंगल के दिन उनकी गिरफ्तारी मुतवजी है, आप भी कानून टीम के मेंबर हैं एमपीटीआई के, क्या लगता है किस मुकदमे में? मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान की 2 चीजें हर वक्त उनकी तवक्को रखें आप, एक इमरान खान की किसी जाली मुकदमे में गिरफ्तारी और एक इमरान खान की बतौर वजीर आजम इंशाल्लाह वापसी।